हाय कैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील लैपटॉप के सामने आ गया हूँ अपने इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। यस, अच्छा नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा, पेपर की ज्यादा टेंशन मत लो, चाहे वो कोई भी पेपर है, टेंशन मत लो भाई। सबसे पहले अब रूल याद कर लो, ये आपका लास्ट स्टेप है। यस, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप इन योर एग्जामिनेशन। आपका लास्ट पेपर आपके पास आ गया है। अब दोस्तों, ये जो लास्ट पेपर आ गया, तो आपको एक बात तो याद रखनी है कि पुराने किसी पेपर के बारे में कोई डिस्कशन मत करिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने इसी पेपर पर फोकस करिए। राइट, पहला रूल समझ में आ गया। चल दूसरा, सर फाइनली बता दो पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि अब FMEFF का पेपर है, आपका सब्जेक्ट आ गया। मैंने कहा सुनिए बेटा, मैं आपके साथ आज 7 बजे लेकर आ रहा हूं मैराथन। यस, यू हर्ड मी राइट। सबसे पहले हम आज 7 बजे आपके साथ मैराथन करेंगे बेटा। ये मैराथन में हम आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, चैप्टर वाइज, प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे आपके 4 या 5 चैप्टर लगभग कवर हो जाए। विल ट्राई कि 4 से 5 चैप्टर आपके आज ही हम कवर करवा दें। फिर कल सुबह 9 बजे वापस से हम मैराथन स्टार्ट करेंगे, और कल सुबह 9 बजे से लेकर अगेन लगभग 1 बजे तक हम आपके साथ मैराथन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 8 आवर्स का मैराथन हो गया, जिसमें मैं आपको FM का सारा रिवीजन करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चंस भी। ठीक है, पहली तो ये पार्ट कंप्लीट। बट उसके बाद आप अपना 1 आध घंटे का ब्रेक लीजिए, लंच ब्रेक लीजिए आराम से। लंच ब्रेक लेने के बाद बेटा आपको क्या करना है सर, उसके बाद आपको इको का पॉडकास्ट सुनना है। यस, जो इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, मैराथन का लिंक भी डाल रहा हूँ। वो आपने इको का पॉडकास्ट सुनना है, और उसके बाद इको के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं। वो कहां पर सर, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूं, तो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ले चुका हूं बेटा। सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों मिलाकर लगभग 3 घंटे का वीडियो है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे तो वो लगभग 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बट करने जरूर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई, अगर आप 2 बजे भी शुरू करते हो तो 4-5 घंटे, मतलब 7 बजे तक आप लगभग अपना इको का पार्ट सारा कंप्लीट कर लेंगे बेटा। 7 बजे के बाद आप अपना, उसके बाद वापस से FM पे एक बार रिवीजन कर लीजिए। FM में जहां जहां पर आपको लग रहा है कि यार मेरे को थोड़े और क्वेश्चन कर लेने चाहिए, किसी चैप्टर में और मेहनत करनी है, वो सब आप कर लीजिए। वंस दैट इज डन, अगले दिन बेटा आपको FM की थ्योरी करनी है। सुबह 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 आप FM की थ्योरी कर लीजिए, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आता है, जो प्राइमरीली थ्योरी के 2 चैप्टर बनते हैं। ये आप कर लेंगे तो यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। पहले बच्चा लोग बात समझ में आ गई है ना? तो भाई, ये आपकी पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि हाउ यू हैव टू वर्क ऑन द थिंग्स, हाउ यू हैव टू प्लान द थिंग्स, कि भाई अगले 1.5 दिन में जो भी हमारे पास बचा है उस टाइम पर हम अपने एग्जाम तक का कैसे कैसे प्लान करेंगे। बोलो जी, यहां तक पहले बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए बेटा, ये रहा हमारा FM का मैराथन का स्केड्यूल भाई। Day 1 आज हम आपके साथ Part 1 करेंगे, जो 7 बजे स्टार्ट होगा 16 मई को। देन वी हैव Part 2 विच विल स्टार्ट विच इज ऑन 9 AM, ये रहा बेटा 9 AM 17 मई। तो भाई ये दोनों अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं बेटा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ऑलराइट, चलो दोस्तों, अब सोचना क्या है, अब तो कर गुजरने का टाइम है, अब सोचने का टाइम नहीं है। तो बस अब आपको बेटा कूद कर काम कर डालना है बिना सोचे, अब आपको बस मेहनत करनी है। तो मेहनत करते हैं, मिलते हैं शाम को 7 बजे। ऑलराइट, चलो दोस्तों, बाय बाय।